आज इस खास मौके पर मैं आपके सामने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इस टॉपिक पर भाषण करने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा, ये वो हस्ती है जो भारत की तमाम महिलाओं के लिए रोल मॉडल है, जिन्होंने भारतीय नारी को तालीम जैसा एक खूबसूरत तोहफा दिया। सावित्री बाई फुले की शान में एक शेर के साथ में अपना भाषण शुरू करना चाहूंगी। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, जो सदा रूठी गई बेबस समझकर, जो सदा रूठी गई बेबस समझकर, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की बलिदान की कहानी। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नाई गांव में हुआ। उनकी माँ का नाम लक्ष्मी बाई था और पिताजी का नाम खंडोजी पाटिल था। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हो गई। तब वो 9 साल की थी। शादी के बाद ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। ये वो दौर था जहाँ सिर्फ औरत चूल्हा और झूला संभालने के लिए पैदा हुई, ऐसा माना जाता था। इतने खौफनाक दौर में जहाँ सिर्फ औरतों को कमजोर समझा जाता था, सावित्री बाई फुले ने पढ़ने लिखने के बाद औरतों को पढ़ाने की ठान ली। लेकिन दोस्तों ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने जब पढ़ाने की शुरुआत की, तभी से समाज के मर्दों ने उन पर कीचड़ गोबर और पत्थर फेंके। लेकिन शेरनी जैसा हौसला रखने वाली सावित्री बाई हार नहीं मानी और ज्योतिबा के साथ मिलकर 1848 को उन्होंने शहर में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। आज इस मकाम पर लड़की होते हुए मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये सिर्फ लड़कियों की तालीम की वजह से मुमकिन है। इसका सहारा जाता है सावित्री बाई फुले के सर। आज हमारे भारत की नारी दुनिया में अपने देश का नाम चमका रही है। ये मुमकिन हो सका शिक्षा जैसे हथियार की वजह से। आखिर में बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा के बारे में बोलना चाहूंगी कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है जो पिएगा वह जरूर दहाड़ेगा। आखिरी शेर के साथ में अपनी जगह लेना चाहूंगी कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है, ये शेर समर्पित है नारी शक्ति को। नारी शक्ति है सम्मान है, नारी शक्ति है सम्मान है, नारी गौरव है अभिमान है, नारी ने रचा ये विधान है, नारी ने रचा ये विधान है, नारी शक्ति को हमारा सलाम है, जय हिंद। मौजूद मेरे सभी देशवासियों दोस्तों और शिक्षक गण को मेरा सलाम। मेरा नाम तुबा जावेद अंसारी है। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल नारायणगांव नंबर 3 है। आज आपके सामने मैं भारत के एक महान योद्धा के बारे में भाषण करने जा रही हूँ और मेरा टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज। शूरवीरों की है ये धरती, शूरवीरों की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहार, बुराई जिससे डर कर भागे, बुराई जिससे डर कर भागे, ऐसी गुंजी है हुंकार। आइए जानते हैं वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हमारे ही तालुके जुन्नर के शिवनेरी किले पर हुआ। बचपन से ही शिवाजी महाराज को अपनी माता जीजाबाई के जरिए जिंदगी जीने के हुनर की शिक्षा दी गई। जिस दौर में महाराज का जन्म हुआ, उस वक्त महाराज में दूसरे राजा बहुत जुल्म करते थे। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शिवाजी महाराज अपने माँ बाप से अलग अलग कलाएं सीख रहे थे और जालिम बादशाहों का खात्मा किस तरह करना है ये भी सीख रहे थे। उम्र के 10वें साल तक शिवाजी महाराज ने घोड़ा सवारी, तीर चलाना, तलवार चलाना, भाला फेंकना जैसे कमाल के हुनर सीख